झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम करगुआ में अचानक एक खजूर के पेड़ में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और आसपास स्थित एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर में एक महिला अकेली थी, उसने आग लगते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसका शोर सुनकर अनेकों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और लगी आग को बुझाने में लगे। जब तक आग बुझती तब तक मकान में रखा अनाज सहित गाय के दो बछड़े आग की चपेट में आ गए, जिससे गाय की दोनों बछड़ों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही SDM सहित सभी आला अधिकारी ऐसा है कि ये जो घर बने हुए हैं, घर के पीछे कुछ झाड़ी झंखार है रास्ते में, तो मुझे लगता है कि कोई बीड़ी पी करके फेंक दिया था, उसकी वजह से उन झाड़ियों में आग लगी है। और उसी समय जो है कि दोपहर में करीब 2:30 बजे के आसपास बहुत ही आंधी आई, तो आंधी की हवा से जो है कुछ चिंगारी इनके मकान में गया है और इसी कारण जो उसमें तत्काल मतलब शीघ्रता से जो आग लग गई। सर इसमें कैसा क्या नुकसान हुआ है, कितना? अब इसमें जो मौके मैंने देखा, लोगों ने बताया भी, इसमें ये लोग अपना अनाज रखे हुए थे वो जला है, और दूसरे इसमें पशु यानी दो बच्चे थे छोटे छोटे गाय के, दोनों घरों में एक बच्चे थे। सर पीड़ित को क्या आश्वासन दिया गया है? पीड़ित को आश्वासन है कि हमारे यहाँ से कुछ तत्काल तहसील स्तर पर जो है राहत दिया जाता है, तो वो मैं कल 24 घंटे में उनको प्रोवाइड करा दूँगा कुछ आर्थिक मदद। और दूसरा, जो मैंने इस गाँव के दो कोटेदार हैं, दोनों को मैंने कहा है कि आप दोनों परिवारों को राशन 1 क्विंटल गेहूँ 1 क्विंटल चावल मिट्टी का तेल इनको प्रोवाइड कराएं, ताकि इनको खाने पीने में कोई समस्या ना हो।